हमारे न्यूज एंकर ने हिंदुस्तान की यात्राएं बंद कर दी और वो लोग प्राइम टाइम में बैठ गए जिन्होंने हिंदुस्तान की यात्राएं नहीं की, तो उनके पास कोई शब्द है नहीं, वो बहुत बीमार लोग हैं, इसीलिए वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ललकारते हैं, उनके पास नए शब्द नहीं है। नए शब्द होते तो रोज उनके पास नए नए अर्थ आते, जिंदगी और संवाद को समझने का उन्हें एक मौका मिलता। लोग पूछते हैं कि आप एंटी क्यों हैं? मेरा जवाब है कि मैं सत्ता के साथ नहीं हूं, मैं सत्ता के समानांतर रहना चाहता हूं। अगर ये एंटी होना है, अगर आपको आपकी परिभाषा में यही है और आपके पास यही एक शब्द है, मुझे कोई इससे एतराज नहीं है। दुख है कि समानांतर होने की प्रक्रिया को आप खिलाफ होना कहते हैं। किसी के सामने समक्ष होना वो उसके विरुद्ध होना हमेशा नहीं है, विरोधी कोई और होता है, विरुद्ध कोई और होता है, पूछने वाला हमेशा विरुद्ध नहीं होता है। लेकिन आज का जो मीडिया है उसकी उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो गोद में जाकर बैठता है। एम्बेडेड जर्नलिज्म जो है वो इराक युद्ध के समय ये शब्द सुनने में आया। मैं आज की मीडिया को गोदी मीडिया कहता हूं, वो गोद में बैठा हुआ मीडिया है। और ये वो मीडिया है जो एक दिन आपको जला देगा। अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ठीक इसी वक्त जब आपको मजाक लग रहा है वो आपको जला रहा है। झारखंड में पत्रकारों के ग्रुप से बच्चा चोरी की अफवाह वाली मैसेज फैलनी शुरू हुई और एक भीड़ बनी जो एक राजनीतिक वैचारिक रूप से नियंत्रित होती है या उससे अपनी खुराक ऊर्जा पाती है, उसने पहले मुसलमानों को मारा बच्चा चोरी की अफवाह में और फिर हिंदुओं को भी मारा। इसका मकसद यही है, इस जो प्रोजेक्ट चल रहा है आप उसको समझिए, वो लगातार आपको आपके भीतर तरह तरह के डर पैदा कर रहा है और एक प्रयोग हो रहा है। अभी तक हम समझ रहे थे कि ये जो भीड़ है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन मारा तो हिंदू भी जा रहा है उस भीड़ के कारण। ग्रेटर नोएडा के जेवर में इसी तरह की अफवाहबाजी फैली और भूप सिंह और जेवर सिंह पिट गए, पसलियां तोड़ दी गईं और वो चिल्लाते रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं। तो ये जो राजनीति इस हद तक पहुंच गई है कि हिंदू को कहना पड़ रहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे छोड़ दो, और आसपास के लोग जो खड़े हिंदू हैं जिन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है कि कोई मुसलमान मारा जा रहा है तो बोलना नहीं है, वो उस ट्रेनिंग के कारण तब भी चुप रहे जब एक हिंदू मारा जा रहा था। यही आपको समझना है कि दरअसल आप में से सत्ता जो होती है वो हमेशा इस संभावना से डरी रहती है कि आप में से कोई कभी खिलाफ तो नहीं हो जाएगा। ये वही डर है, और उसी डर के खिलाफ वो दो बातें करता है, अपने ताकतवर होने की नौटंकी करता है, भंगिमाएं रचता है, और भीतर ही भीतर आपके भीतर डर पैदा करता है। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है अब इसके चरण बड़े हो गए हैं, इसकी कड़ियां बड़ी हो गई हैं। ये ज्यादा सुनियोजित तरीके से है जो आपको लगता है कि कोई उच्छृंखल है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता जा रहा है। 31 दिसंबर 2000 ये जब आ रहा था तो पूरी दुनिया में बवाल मचा। इसका नाम था Y2K। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आप इस प्रक्रिया को आज की सरकार से जोड़कर मत देखिए। सिर्फ Y2K आ रहा था तो पूरी दुनिया में बहस चली कि कंप्यूटर वो जब 00 साल को देखेगा तो कोलैप्स कर जाएगा, अस्पताल बंद हो जाएंगे, रेलगाड़ियां रुक जाएंगी, मिसाइलें चल जाएंगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। और इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में कई सौ बिलियन डॉलर का बजट बनाया गया और एक ऐसा माहौल रचा गया
कि उसमें सेनापति से लेकर सेनाध्यक्ष भी बयान देते मिले कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है और सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात होने के आदेश वगैरह दे दिए हैं, देखा जाएगा कि ये सारी चीजें ना हो। और करोड़ों अरबों खरबों रुपए की योजनाएं बन गई, नए नए कंप्यूटर आ गए, पुराने कंप्यूटर रिप्लेस कर दिए गए, पूरा एक खेल हुआ, कमेटियां बन गई। जब 1 जनवरी 2000 नई सहस्त्राब्दी न्यू मिलेनियम में हम प्रवेश करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो निक डेविस नाम के एक पत्रकार ने इसकी तफ्तीश की तो पता चला कि इसकी पहली खबर कनाडा के अखबार के कोने में छोटी सी छपी थी, जिसमें एक कंप्यूटर इंजीनियर या ठेकेदार जैसा था, उसने सिर्फ एक आशंका और चिंता व्यक्त की थी कि अगर 2000 आएगा तो बहुत से कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो खुद को अपडेट नहीं कर पाएंगे और कोलैप्स कर जाएंगे। लोग भूल गए कि कंप्यूटर जो है वो 99/0, मैं तकनीकी उसमें नहीं जाता, जो पढ़ के समझ में आया, ये उसी सिद्धांत बना, उसका मूल चरित्र है। और ऐसे तमाम वक्तों में भी जब घड़ी की सुई 00 पहुंचती है 12 के बाद, तब भी तो कोलैप्स नहीं होता है। लेकिन दुनिया में ये वितंडा रचा गया, बहुत लोगों ने किताब लिखी। जब जिस देश में 1% लोगों के पास पूंजी हो जाती है, उस देश में सफल होने की किताबें बहुत बिकती हैं। सफलता के 100 मंत्र, क्योंकि 100 लोग ही तो सफल है ना, उनको दिखा के आप सफलता के 100 मंत्र बेच रहे होते हैं। तो अरबों खरबों रुपए की किताब बिक गई, रॉयल्टी खिला के वो बड़े बड़े लेखक बन गए। और जब 1 जनवरी 2000 आया तो वो खबरें गायब थी। इसको फेक न्यूज कहते हैं आज की दुनिया में।